हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम आपसे एक ऐसे तरीके के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जिससे यूज़ करके आप अपने बालों को लंबा घना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और मैं आपसे ये भी कह दूँ कि वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे। इसलिए पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद उसे यूज़ कीजिए। डेफिनेटली वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो फ्रेंड्स, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उनके जो बाल हैं वो लंबे हों, घने हों, सुंदर हों। बहुत सी लड़कियां चाहती हैं कि उनके बाल बहुत लंबे लंबे हों। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरीके को यूज़ करते हैं तो आपका जो बाल है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितना आप चाहते हैं, जितने लंबे आप हेयर चाहते हैं उतने लंबे आपके बाल हो जाएंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते और आपको बताते हैं ये जो बाल बढ़ाने का तरीका है वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या है वो चीज़, कैसे आप उसे यूज़ करें, कैसे आप उसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए और इसे अच्छे से समझिए किसे कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोकोनट का नारियल का तेल लेना है। वो तो आपको ज़्यादातर कुछ लोग अपने घर में यूज़ ही करते हैं, और जो लोग नहीं यूज़ करते वो मार्केट से ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आप उस नारियल के तेल को कटोरी में निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद मतलब जितना आपके बालों में लग जाए उतना तेल आप अच्छे से निकाल लीजिए। उसके बाद उसे अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल मतलब ऐसा नहीं बॉयल कर लीजिए, मीन्स गुनगुना कर लीजिए, उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप उसे गर्म करने के बाद जितना आपको सहने लायक हो, अगर आप उसे सह सकते हैं, उसके बाद आप उसे उंगली से टच करके देख लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आप इसे लगाने लायक हैं, तो फिर उसको आप उसे धीरे धीरे से उंगली से निकाल के अपनी जड़ों में उसे धीरे धीरे आधे घंटे तक उससे मसाज की दीजिए। लगभग आपको एक हफ्ते में कई बार आपको ये सिचुएशन करनी होगी, कई बार आपको ये जो ट्रिक है इसको दोहराना पड़ेगा। तो फिर आपको जब भी आप इसका इस्तेमाल करें नारियल के तेल के लिए, तब उसे आप नारियल के तेल को गर्म करें, उसके बाद ही अपने बालों में यूज़ करें। ऊपर जड़ की तरफ आपको बहुत अच्छे से उससे मसाज करनी है, और कुछ समय बाद देखिएगा आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस रिजल्ट से, इस ट्रिक से अगर फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद।